अपना नाम बताओ बेटा। कैरन। कहाँ से आए हैं? बड़ी ब्राह्मणा। बड़ी ब्राह्मणा से। क्या बना रहे हैं आप आज? मैं ड्राइंग बना रही हूँ बुद्ध और अम्बेडकर की। फिश वाला अम्बेडकर। वेरी गुड। और किससे प्रभावित होकर के ये बना रहे हैं? बाबा साहब के बारे में कुछ बताइए। बी आर अम्बेडकर वॉज बॉर्न ऑन 14 अप्रैल 1891। टूडे आई एम हेयर टू अटेंड अ ड्राइंग कॉम्पिटिशन बिकॉज टुमारो इज हिज बर्थडे। तो किसके साथ आई हैं? मैं मेरे पापा के साथ आई हूँ। पापा के साथ आई हूँ। तो पेंटिंग में क्या बना रहे हो, क्या खास है इसमें? मैं बुद्ध और अम्बेडकर बना रही हूँ। अम्बेडकर जी ने संविधान पकड़ा है। संविधान पकड़ा हुआ है। हाँ, वो बना रहे हैं। हाँ, आपके पापा से भी मिलेंगे लेकिन पहले आपसे मिलेंगे। अपना नाम बताओ। केविन सम्याल। क्या कर रहे हो आज, क्या बनाया आपने? मछली समझ लो और इंडिया का फ्लैग। घर से आए हैं, ट्यूशन से सीधा आ गए यहाँ? घर से ट्यूशन है ही नहीं मेरी। ट्यूशन नहीं है ना। तो कितना मजा आ रहा है यहाँ पे? बहुत आ रहा है वैसे को। घर से तो अच्छा ही है। घर से अच्छा है, यहाँ अच्छा लग रहा है। घर पे पढ़ाई करनी पड़ती है। अरे तो पढ़ाई करना तो जरूरी है बेटा। करते भी हूँ मैं। पढ़ते भी हो? हाँ। लेकिन साथ साथ में? साथ साथ में खेलता भी हूँ। शरारते भी करते हो? हाँ वो भी। वेरी गुड वेरी गुड। अपना नाम बताओ बेटा। अर्ष कुमार। क्या नाम है? अर्ष कुमार। कहाँ आए हो आज? हाँ? कहाँ आए हो? पता नहीं। किसके साथ आए हो? डैडी के साथ आए हो? हाँ। अम्बेडकर चौक में आए हैं। कहाँ आए? पता नहीं। अम्बेडकर चौक में आए हैं। अम्बेडकर चौक। आज स्कूल क्यों नहीं गए? छुट्टी थी। क्यों छुट्टी है? ऐसे तो नहीं है। आप जिद कर रहे थे पापा के साथ जाना है? हाँ। क्यों जिद करते हो? ऐसे। पापा कहाँ लेके आए हैं? बता रहा, हम कंपटीशन में आए हैं। कंपटीशन में आए हैं। तो पापा ने कुछ खिलाया? नहीं। नहीं खिलाया? नहीं। दो वकील साहब, आप ये क्या है, बिना कुछ खाए पिलाए बच्चे को ले? अभी हम सिर्फ यहीं पे आए हैं, डायरेक्ट आए हैं और रास्ते में हमने कहीं गाड़ी नहीं रोकी है और जब यहाँ रोकेंगे तो अच्छे तरीके से खिलाएंगे। बच्चे खुलासे कर देते हैं, बड़े बड़े खुलासे कर देते हैं छोटे छोटे बच्चे। क्या खाना है आपने? हॉट डॉग। हॉट डॉग खाएगा भाई? वकील साहब, अब ये शिकायत हमारे पास पहुँच गया था, हॉट डॉग खिलाना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको हॉट डॉग भी खिलाएंगे। घर पर ये पिज्जा भी खाता है मगर अभी हम इसको हॉट डॉग ही खिलाएंगे। इसकी डिमांड पे ये पिज्जे भी खाता है। पिज्जे भी खाता है। आपका फेवरेट क्या है, पिज्जा हॉट डॉग? दोनों। दोनों? हाँ। लेकिन एक मिलेगा, दो नहीं मिलेंगे। क्या खाएगा? हॉट डॉग। आज डिसाइड कर लिया है। सर, मेरा नाम ईशा है और यहाँ पर अभी 69 बच्चों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। हो चुकी है जी सर। कितनी देर में शुरू हो जाएगा ये? सर 15-20 मिनट तक इसमें स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों में किस तरीके का उत्साह आपको देखने के लिए मिल रहा है? सर, जिस तरह की इस प्रेजेंटेशन की थीम्स हैं तो बच्चे काफ़ी उत्साहित है इस चीज़ को लेकर और देखते हैं कि बच्चे किस तरह की ड्राइंग्स यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं हमारे लिए। बच्चों को टॉपिक क्या दिया गया है, किस पर उन्हें ड्राइंग या पेंटिंग? सर, टॉपिक्स अम्बेडकर साहब को लेकर, सावित्रीबाई फुले को लेकर, उनकी लाइफ स्केचेस को लेकर, उनकी बायोग्राफी को लेकर। कई बच्चे गौतम बुद्धा के स्केच भी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सर, गौतम बुद्धा के ही फॉलोअर थे अम्बेडकर साहब, तो बस उन्हीं को लेकर यही थीम्स, उन्हीं की लाइफ स्केच से लेकर ही है। तो गौतम बुद्धा उनकी लाइफ के बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहे हैं इसलिए। अपना नाम बताओ बेटा। नीति। नीति। क्या, कौन सी ड्राइंग या स्केच बनाने जा रहे हो? क्या बनाने हैं आपने, क्या बनाएंगे? आप अपना नाम बताओ बेटा। मेघना। कहाँ से आए हो आप? बहुत। तो आज क्या बनाने जा रहे हैं, ड्राइंग में आप या पेंटिंग में या फिर स्केच कुछ तैयार करने जा रहे हैं? बाबा साहब अम्बेडकर जी का। अम्बेडकर साहब का। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे आए हैं, अपना नाम बताओ बेटा। ओजस्विनी। आपके हाथ में ये पेपर है और क्या बनाएंगे आप आज? 41-260। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के पास में यहाँ पर बच्चे जो हैं वो पहुँच चुके हैं और बड़ी जल्दी यहाँ पर अब ड्राइंग कंपटीशन जो है वो ड्राइंग पेंटिंग कंपटीशन जो है वो अब शुरू होने जा रहा है। तो आप देख लीजिए कि
69 बच्चे जो हैं इस वक्त तक जो हैं वो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और अब ड्राइंग कंपटीशन शुरू होने जा रहा है। आपका नाम बताओ बेटा। मेरा नाम सांची अत्री है। किस स्कूल में पढ़ते हो? मैं किसी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती हूँ। आज कहाँ आए हैं आप? आज मैं अम्बेडकर चौक आई हूँ। क्यों आए हैं? बाबा साहब की पेंटिंग कॉम्पिटिशन के लिए। आज कौन सी पेंटिंग बना रहे हैं आप? आज मैं बाबा बियाज जी की पेंटिंग बनाऊंगी और बुद्धा की। बुद्धा की पेंटिंग बनाएंगी जी। आप अपना नाम बताओ बेटा। आश्विक कलसी। कहाँ आए हैं आज? यहाँ क्यों आए हैं आज? किसके साथ आए हैं? पापा साथ। पापा के साथ आए हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? LKG। LKG में। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का नाम सुना है आपने? सुना है नाम? अपना नाम बताओ बेटा। मेरा नाम एंजल थापा। कहाँ रहते हैं? मैं पंडोरिया में रहती हूँ, मिश्री वाला खनूर। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैं डिवाइन लाइट सेंट मेरी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती हूँ। आज कहाँ आए हैं? आज हम आए हैं अम्बेडकर चौक। क्यों आए हैं आप? यहाँ पे ड्राइंग कॉम्पिटिशन रखा गया है तो हम इसलिए आए। तो यहाँ पर बड़े सारे बच्चे हैं, उन बच्चों से जान लेते हैं कि वो यहाँ क्यों आए हैं। अपना नाम बताओ बेटा। आई एम थापा। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? KV नंबर 2। आज क्यों आए हैं यहाँ? आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का बर्थडे है और ड्राइंग कॉम्पिटिशन में भाग लिया मैंने, इसलिए मैं। बाबा साहब के बारे में कुछ जानते हैं आप? उन्होंने 32 डिग्रियां ली थी और ये जानते हैं कि उन्होंने 32 डिग्रियां ली थी। आपने तो चश्मा भी बाबा साहब जैसा लगा रखा है। किसके साथ आए? मैं पापा मम्मा के साथ आया हूँ अपने। बच्चों को यहाँ पर लेकर के आए हैं, क्या सोचा है, क्या विचार है यहाँ आने का? हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की तरह बने, उनकी तरह बने बच्चे। आप बताइए, अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम सुनील कुमार थापा है। आप लोग अम्बेडकर चौक में आए हुए हैं और कुछ सालों से लोग यहाँ आना शुरू हुए हैं और ये ड्राइंग कंपटीशन पहली बार हो रहा है, आपका बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है? जी, मेरा बच्चा जी आई एम थापा, इसको मैं स्पेशली लाया हूँ इसको। हमें भी इस बार पहली बार ही पता चला कि जहाँ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हुआ है कंपटीशन, तो मैंने इसको लाया और ये विलिंगफुली आया है यहाँ पे। जी, मुझे भी पापा ले चलो, मैं चलो, और इसलिए आए इसको कंपटीशन। आप कोई ड्राइंग बनाने वाले हैं यहाँ? यस सर। कौन से ड्राइंग? गौतम बुद्ध जी। गौतम बुद्ध। बड़े सारे बच्चे यहाँ पर है, अपना नाम बताइए बेटा। मेरा नाम देवेंद्र गोत्रा। कहाँ से आए हैं? हम बटाड़े। क्या करने आए हैं आज यहाँ? आज हम आर्ट बनाने आए हैं। पेंटिंग? हाँ। कौन सी पेंटिंग बनाने आए हैं? मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। बाबा साहब की कौन सी पेंटिंग, कैसी पेंटिंग है, क्या सोच रखा है, कौन सा फोटो बनाया? कोई फोटो बनाना उनका कोई, और प्रैक्टिस की है? हाँ। कौन से फोटो के लिए, क्या क्या कर रहे हैं बाबा साहब उस फोटो में? उसमें उनकी फोटो या बस फोटो? हाँ। नाम बताइए बेटा। उतना। कहाँ आए हो आज आप? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर चौक में। क्या करने के लिए आए हैं? आर्ट। पेंटिंग करने के लिए आए? क्या पेंटिंग बनाने जा रहे हो? बी आर अम्बेडकर। प्रैक्टिस की है? कितने दिन की प्रैक्टिस? 2। किसने कराई प्रैक्टिस? खुद की है। खुद की है? अरे, नाम बताओ बेटा। आलोक सरगोत्रा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 4th। पता है बाबा साहब कौन थे? हेलो। कौन थे बाबा साहब? हेलो। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। किसने बताया आपको ये नाम? खुद ही पता चल गया। तो ये भविष्य बदलने लगा है। और बच्चों को देखिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का नाम जब मैंने पूछा कि आपको किसने बताया, तो वो कह रहे हैं कि हमें खुद पता चल गया। तो धीरे धीरे ये चीज़ें अब काम करने लगी हैं और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का मिशन जो है बच्चों तक पहुंचना शुरू हो चुका है। तो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम है इवान। कहाँ से आए हो? जम्मू से। जम्मू से। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? जीके पब्लिक। आज अम्बेडकर चौक में क्यों आए हैं? पूजा करने। पूजा करने। किसकी पूजा करने आए? बाबा जी की। बाबा साहब की। पेंटिंग नहीं करेंगे आज आप? आप किसके साथ आए हैं? अपने पापा और मम्मा के साथ। पापा मम्मा के साथ आए हैं। चलिए, ये बच्चे जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ बच्चे पेंटिंग करेंगे और कुछ बच्चे उनके साथ आए हैं। अपना नाम बताइए बेटा। रिवान भारद्वाज। कहाँ से आए हो आप?
मैं छन्नी हिम्मत सेक्टर 2। छन्नी हिम्मत से क्या करने आए हो आज? मैं ड्राइंग स्केचिंग। कौन सा स्केच बनाने जा रहे हैं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, बाबा साहेब का। आपको पता है बाबा साहब ने क्या किया है और बाबा साहब ने बच्चों के लिए खास कर क्या किया? उन्होंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। अपना नाम बताइए बेटा। निवेदिता सिंहराज। कहाँ से आए हैं? लोअर बनाई। हाँ, तो क्या करने जा रही हैं आज आप यहाँ पर, किस लिए आए हैं? स्केच बनाना है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बाबा साहब के बारे में कुछ बताइए, क्या जानती हैं? उन्होंने हमारी जो लोअर कास्ट है उसे लाइक डिस्क्रिमिनेशन से बचाया है, तो उनकी पूरी लाइफ इसी पे गई। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी लिखा है। आज जो स्केच आप बनाएंगे या पेंटिंग बनाएंगे उसमें क्या खास है? उसके अंदर बाबा साहेब का वो कॉन्स्टिट्यूशन जिनमें लिखा है वो किताब वो दिखाएंगे और एक उनकी लाइफ के बारे में दिखाएंगे। कुछ प्रैक्टिस की है इसकी, अभी दिखाइए जरा। घर पे है। लेकिन बच्चों ने ज़बरदस्त प्रैक्टिस की हुई है और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की चित्र वो यहाँ बनाएंगे, पेंटिंग करेंगे, स्केच बनाएंगे। अलग अलग जगहों से माँ बाप अपने बच्चों को लेकर के यहाँ पहुँचे हैं। बेटा नाम बताइए अपना। आराध्या राणा। कहाँ से आए हैं? जम्मू तालाब तिलो। आज यहाँ क्यों आए हैं आप? आज मैं यहाँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के ड्रॉइंग के लिए आई हूँ। शरद। कहाँ से आए हैं? हम सतवारी से आए हैं। सतवारी से क्यों आए हो आज यहाँ? यहाँ पे ड्राइंग कंपटीशन है, इसके लिए हम ड्राइंग बनाने आए हैं। तो ड्राइंग में क्या बनाओगे आज? डॉक्टर बीमार अम्बेडकर। प्रैक्टिस करके आए हो? हाँ। कौन सा चित्र है जिसके लिए आपने प्रैक्टिस की है, क्या है उस चित्र में खास? उस चित्र में ये खास है कि उन्होंने अपने भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था जिसपे अभी तक भारत चल रहा है। वो आप ड्राइंग में वो बनाएंगे? हाँ। तो बहुत बढ़िया, बच्चे जो हैं वो प्रैक्टिस कर करके आए हैं यहाँ पर। तो तस्वीरें आपको अम्बेडकर चौक की मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिए कि लोग अपने बच्चों को लेकर के यहाँ पहुँचे हैं और बच्चे जो हैं वो फुल तैयारी के साथ आए हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की ड्राइंग और पेंटिंग कम्पटिशन में भाग लेने के लिए। नाम बताइए बेटा। आरव थापा। प्रैक्टिस कर रखी है आज? हाँ। क्या क्या कौन सा चित्र बनाओगे? बुद्ध। बुद्धा का? अच्छा, बुद्धा के बारे में कुछ बता दो, कुछ मालूम है, जानते हैं उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में? क्या जानते हैं बाबा साहेब के बारे में, बता दो। बाबा साहेब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने खुद के चार बच्चे भी कुर्बान किए थे। कॉन्स्टिट्यूशन लिखा उन्होंने हमारा, हमारे देश को आज़ाद करवाया। तो बुद्धा की ड्राइंग आज आप बनाएंगे या पेंटिंग बनाएंगे, उसमें क्या खास रहेगा, क्या दिखेगा उस पेंटिंग में? बुद्ध ध्यान लगा रहे हैं। अच्छा, ध्यान में बैठे हुए बुद्ध। आप नाम बताओ। महर। नाम बताओ अपना। महर। कहाँ आए हो आज? अम्बेडकर चौक। क्यों आए हो यहाँ? आप ड्राइंग करोगे आज? किसके साथ आए हो? भैया के साथ। अच्छा, तो बड़े सारे बच्चे हैं यहाँ। नाम बताओ बेटा। क्या बनाने जा रहे हो यहाँ पर, क्या ड्राइंग या पेंटिंग कौन सी बनाओगे? मैं स्केच बना रही हूँ गौतम बुद्ध का। हम नाम बताओ बेटा। आराध्या। क्या बनाने आज क्या बनाएंगे आप? मैं बाबा साहेब का स्केच बनाऊंगी। बाबा साहेब का स्केच बनाएंगे। स्केच में क्या खास रहेगा, क्योंकि कंपटीशन है, सारे बच्चे आए हैं? बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट भी आए हैं जो काफ़ी अच्छी ड्राइंग करते हैं, बट हमने भी अपनी वो किया है, प्रैक्टिस की है, तो हम भी किसी से कम नहीं है, हम भी बहुत अच्छी डायग्राम बना रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं? हम बाबा साहेब का स्केच बनाएंगे। स्केच में क्या होगा, मैसेज क्या होगा? स्केच में मतलब बाबा साहेब का यही मैसेज रहेगा कि मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो भाईचारा, समानता, स्वतंत्रता की शिक्षा देता हो, ये उसमें दिखेगा स्केच में। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नाम बताओ बेटा। आरुषि। आरुषि, क्या करने आ रही हैं आज आप? ये हाथ में आपके कलर्स भी लाए हैं आपने, किस लिए लाए हैं? ड्राइंग बनाने के लिए। ड्राइंग बनाने के लिए? कौन सी ड्राइंग बनाएंगे आज? सावित्रीबाई फुले। सावित्री बाई फुले की? जानती हैं सावित्री बाई फुले के बारे में थोड़ा सा बताइए। वो महिला शिक्षा को जब वो हुई थी तब जो लड़कियों की पढ़ाई को ज़्यादा नहीं माना जाता, तो उन्होंने उनके लिए संघर्ष किया था महिला शिक्षा को लेकर के, उन्होंने ये कह रही हैं। आप अपना नाम बताओ बेटा। क्या पेंटिंग और ड्राइंग कंपटीशन है यहाँ पे, आप क्या बना रहे हैं? ज्योतिबा फुले जी को बना रही हूँ। ज्योतिबा राव फुले जी, अभी पिछले दिनों जन्मदिन निकला है उनका।
तो जानती हूँ कुछ ज्योतिबा फुले के बारे में, बताइए। वो एक सोशल एक्टिविस्ट थे जिन्होंने कास्ट के अगेंस्ट, पैट्रियार्की के अगेंस्ट बहुत से काम किए। उनकी बीवी सावित्रीबाई फुले जी भारत की पहली फीमेल टीचर थी जिनकी शिक्षा में उनका बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने बहुत से लिटरेचर भी लिखे हैं जैसे कास्ट एनिहिलेशन, और ऐसे बहुत से काम किए उन्होंने जिसके कारण वो मेरे फेवरेट सोशल एक्टिविस्ट हैं। फेवरेट सोशल एक्टिविस्ट हैं ज्योतिबा राव फुले। हाँ बेटा, क्या खास करने वाले हैं? हम ड्राइंग बनाने वाले, बाबा साहेब की। उसमें क्या बना रहे हो आज? उनका स्केच बना रहे हैं। उनका स्केच बना रहे हैं। आप बेटा अपना नाम बताओ। सुरभि कर। आप क्या बना रहे हो आज? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की पेंटिंग। गौतम बुद्ध का, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बच्चे अलग अलग पेंटिंग जो है वो और ड्राइंग यहाँ पर करेंगे, और यहाँ पर आप देख लीजिए कि बच्चे अब हथियारी कर चुके हैं और बड़ी जल्दी ये बच्चे ये इस कंपटीशन को शुरू कर देंगे यहाँ पर, और ये बच्चे उसमें भाग लेंगे। तो बच्चे अपने अपने साथ अपने स्केच कलर लेकर के पहुँचे हुए हैं और पेंटिंग कंपटीशन शुरू होने जा रहा है। आप उसको देखकर भी ड्रॉ कर सकती हो। सभी के सामने चेयर्स लगी है जिनपे फोटोग्राफ है, आप रेफरेंस फोटोग्राफ लेके उससे भी ड्रॉ कर सकती हो। ये वाली फोटोग्राफ। हाँ जी बेटा, आप सबको कौन से टॉपिक पर बनाना है? आई एम अनाउंसिंग दैट अगेन, आपको बनानी है पेंटिंग एनीथिंग डॉक्टर अम्बेडकर जी की लाइफ इंसिडेंट पे, उनसे कुछ भी इंस्पायर होके जो आप बना सकते हो, महात्मा बुद्ध पे, ज्योतिबा फूले पे, सावित्री बाई फूले पे, रमा बाई अंबेडकर जी पे, और एनीथिंग रिलेटेड टू डॉक्टर अंबेडकर जी आप बना सकते हैं। आपके सामने रेफरेंस फोटोग्राफ भी है, आप वहां से भी देख के रेफरेंस फोटोग्राफ लेके बना सकते हैं। क्या सभी बच्चों को ये पता है कि कल क्या है और वो आज किस पे अपनी पेंटिंग करने आए हैं? लगता कि सब बच्चों को पता है। आपको पता है? चलो मैं आपके पास आ जाता हूँ। क्या है कल? आपका नाम क्या है? कहाँ से आप? अगर आज हम इस भूमि पे बोल पा रहे हैं, मैं इस जगह बोल पा रही हूँ, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संघर्ष की प्रति ही मेरा यहाँ पे योगदान है। क्योंकि अगर आज हमारा समाज जागरूक शिक्षा संगठन की ओर बढ़ रहा है, तो इसके मैं डॉक्टर मोहन अत्री एक्चुअली आज जो हमारा बाबा साहब का अंबेडकर सेलिब्रेशन चल रही है, ये पिछले 3-4 दिनों से पहले रैली थी, आज का एक स्पेशल फंक्शन जो बच्चों के लिए रखा हुआ है, पेंटिंग कंपटीशन है, तो इसमें बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, छोटे बड़े सारे बच्चे आए हुए हैं, और जब बच्चों का मसला हो तो उसमें हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता हो, तो इसलिए प्रबंधक कमेटी ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि इन केस अगर कोई मेडिकल किसी बच्चे को सहायता चाहिए तो उसके लिए हमने जो भी इमरजेंसी मेडिसिन या कुछ भी वो सारा उसका बंदोबस्त करके रखा हुआ है किसी, तो ये हम उनको कोई भी किसी खुद ना खासा ज़रूरत नहीं पड़े, पर कोई भी अगर हेल्प हो पड़े, ज़रूरत पड़े तो हम उसको प्रोवाइड करेंगे। CP7188 गाड़ी ये हम में से किसी की है, तो प्लीज उसको हटाएं, वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है किसी ने। यहाँ तो 18 साल तक के बच्चों को भाग लेने का आप भी पहुँचे और ट्रेनिंग कर रहे हैं। एक्चुअली मुझे ना स्कूल की याद आ गई अपनी, इन बच्चों को देखा तो मैंने भी कहा शुरू करते हैं। नाम बताइए। मेरा नाम है सोनू। तो बड़ा अच्छा ड्राइंग जो है वो आप कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रखी है या फिर? एक्चुअली मुझे शौक था काफ़ी, तो कॉलेज के बाद टोटल डिजिटल होने के बाद फिर हमने डिजिटल ग्राफिक डिजाइनिंग करनी शुरू कर दी, तो पेंसिल के साथ छूट गया, तो बच्चों को देखा तो मैंने कहा दोबारा शुरू किया जाए। क्या बात है, क्या बात है। और बच्चों के साथ साथ यहाँ पर अब जिन लोगों को मौका मिला है वो लोग भी ड्राइंग जो है वो कर रहे हैं। देखिए बाबा साहेब की तस्वीरें धीरे धीरे ये बच्चे अब तैयार करने लगे हैं, और कुछ देर के बाद इन फोटोज़ में रंग भरा जाएगा और ये फ़ोटोज़ अपने असली रूप में जो हैं वो आने लगेंगी। ये देखिए, ये बच्ची माता सावित्रीबाई फुले का ड्राइंग जो है वो यहाँ पर कर रही है, और धीरे धीरे ये ड्राइंग सब तैयार होने वाले हैं, और इन बच्चों की ये कला आप देखिए और सोचिए
कि इन परिवारों का कितना बड़ा योगदान रहा होगा कि जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में प्रेरित कर रहे हैं। हमारे भी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मेरा नाम एंजल थापा, मैं आज आप सबके सामने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पर कुछ सुनाने जा रही हूँ। रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, औरों को जो मिला है मुकद्दर से मिला है, औरों को जो मिला है मुकद्दर से मिला है, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिले हैं, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिले हैं। ना जिंदगी की खुशी ना मौत का गम, ना जिंदगी की खुशी ना मौत का गम, जब तक है दम जय भीम कहेंगे हम, जब तक है दम ना होता वो मसीहा तो खुशियों का सिलसिला ना होता, पैदा ना होता वो मसीहा तो खुशियों का सिलसिला ना होता, बेरंग रहती ये जमीन सारी आसमान का रंग नीला ना होता, बेरंग रहती ये जमीन सारी आसमान का रंग नीला ना होता, भारत तो कब का कंगाल हो जाता मेरे यारो, भारत तो कब का कंगाल हो जाता, अगर भीमराव अम्बेडकर जैसा हीरा हमें मिला ना होता, अगर भीमराव अम्बेडकर जैसा हीरा हमें मिला ना होता। कुरान कहती है मुस्लिम बनो, बाइबल कहती है ईसाई बनो, भगवत गीता कहती है हिंदू बनो, लेकिन मेरे बाबा साहिब का संविधान कहता है, लेकिन मेरे बाबा साहिब का संविधान कहता है इंसान बनो, इंसान बनो। भीम जैसा सूरज अगर निकला ना होता, हम दलितों के समाज में ऐसा उजाला ना होता, मर गए होते यूं ही जुलम सहकर, मर गए होते यूं ही जुलम सहकर, अगर हमें भीम जैसा रखवाला मिला ना होता, अगर हमें भीम जैसा रखवाला मिला ना होता। भीम जी ने हमें बलवान बना डाला, हटा ना पाए वो चट्टान बना डाला, भीम जी ने हमें बलवान बना डाला, हटा ना पाए वो चट्टान बना डाला, नए युग की पहचान बना डाला, नए युग की हमें पहचान बना डाला, और हवा के ये झोंके को तूफान बना डाला, ये हवा के झोंके को तूफान बना डाला। गरज उठे गगन सारा, छोड़े अपना ही किनारा, हिल जाए जहां सारा जब गूंजे जय भीम का नारा, हिल जाए जहां सारा जब गूंजे जय भीम का नारा। ना शूरी रखती हूँ ना पिस्तौल रखती हूँ, ना शूरी रखती हूँ ना पिस्तौल रखती हूँ, जय भीम की बेटी हूँ, दिल में जिगर रखती हूँ, दिल रखती हूँ। फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी, फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, रातों की कहानी सितारों ने लिखी। हम नहीं है किसी के गुलाम, हम नहीं है किसी के गुलाम, क्योंकि हमारी जिंदगी बाबा साहिब जी ने लिखी, क्योंकि हमारी जिंदगी बाबा साहिब जी ने लिखी। जिससे मिला भारत को एक नया विधान, जिन्होंने भारत को दी एक नई पहचान, जिन्होंने रचा देश का संविधान, वो है बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर महान, वो है बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर महान। उन्होंने सबको साथ चलना सिखाया, सबको अपने अधिकारों से अवगत कराया, दिया जिन्होंने एक नया हिंदुस्तान, वह है आप सबका अभिमान, उन्होंने बढ़ाया देश का मान, वह है हम सबका अभिमान, दिया सब भारतीयों को समान अधिकार, वो है बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर महान, वो है बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर महान। कुंडल साहब, 69 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं अभी तक, रजिस्ट्रेशन हो गई अभी 75 अब हो गई है 75, तो धीरे धीरे एक्चुअली दूर दराज से बच्चे आ रहे हैं, तो धीरे धीरे अभी आरसपुरा से नहीं पहुंचे हैं, अखनूर से नहीं पहुंचे हैं, वो रास्ते में हैं, तो धीरे धीरे वो है बच्चे आ रहे हैं, और आप देख रहे हैं बहुत अच्छा माहौल लग रहा है, पेरेंट्स भी बच्चों के साथ आए हैं, और पेरेंट्स के लिए चेयर्स लगाई हुई हैं और बच्चों को बिठा रहे हैं, अब हम लाइनें बना के, तो अच्छा लग रहा है।
और टॉपिक क्या दिया गया है बच्चों को, किस टॉपिक पे उन लोगों को ड्राइंग या स्केच या पेंटिंग करनी है? टॉपिक यही है बाबा साहब और महात्मा ज्योतिराव फूले और जो भी हमारे बहुजन समाज के संत महापुरुष हैं उनके लाइफ पे या उनकी किसी भी इंसिडेंट पे एक फोटो जो भी बच्चे ने तैयार की है वो बनाए, और जो बनाने के बाद हमने एक जूरी अपॉइंट की है, वो न्यूट्रल जूरी है जो के ये डिसाइड करेगी कि कौन सी कैटेगरी से बच्चे ने क्या क्वालिफाई किया है, तो उस हिसाब से फिर उनको कितनी कैटेगरीज हैं? 3 कैटेगरीज बनाई हैं, 10 साल से नीचे एक कैटेगरी है, 14 साल तक दूसरी कैटेगरी है, और 18 साल से नीचे जो है तीसरी कैटेगरी है। तीनों कैटेगरीज में अलग अलग अवार्ड हैं और सभी बच्चों को कंसोलेशन प्राइजेस दिए जाएंगे, मेडल्स दिए जाएंगे और सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। सब जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं सबको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट सबको मिलेगा, मेडल सबको मिलेंगे, और जो अवार्ड हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड का तीनों कैटेगरीज में रखा है, तीनों को फर्स्ट सेकंड थर्ड की कैटेगरी में अवार्ड मिलेगा। जय भीम सारे दर्शकों, ये टीम जड़ी है जिन्होंने सारा संचालन किया है, बहुत ही शलाघा योग गल है, बहुत ही सराहनीय है, बड़ी एप्रीशिएबल है। तुम देख रहे हो कि बच्चों का जो टैलेंट है, हिडन टैलेंट, वो उभर के आ रहा सामने। असी एक एक बच्चे उम्र वाइज उन्होंने देखो तो बहुत ही एक्सलेंट परफॉर्मेंस है हर बच्चे की, जो बच्चे भी देख रहे असी, ठीक है हर एक की उम्र है और उम्र के हिसाब न, और कई तो एक्सट्रा ऑर्डिनरी बच्चे भी साढ़े को इतने नज़र आ रहे हैं जोड़े मैं तो लगता कि वेरी सून वो तो बड़े प्रोफेसनल क्लास आर्टिस्ट भी बनने वाले। देखो बाकी कमी किसी बच्चे से नहीं नज़र आ रही, और खास तौर पर जो टीम है जिन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया है ये तो बहुत ही शलाघा योग है, बहुत ही अप्रीशिएबल है रियली। पवन कुंडल, पवन जी एडवोकेट, पवन जी और टीम सारी जड़ी है, अज बाबा साहब के कल जो जन्मदिन होना है उस सिलसिले ये सारा प्रबंध किया गया है। कल बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है इस जगह दे, अज बच्चों के बच्चों भी उत्साहित करने वास्ते, बच्चों एडमायर करने वास्ते, उन्होंने जोड़े टेलेंट हैं पर्टिकुलरली बुद्धिज़म और बाबा साहब अंबेडकर की फिलासफी के नाल जानकारी दिलाने वास्ते एक बहुत ही जबरदस्त बड़ा ही काबिले तारीफ स्टेप है। धन्यवाद जी। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें ताकि RTI इंडिया न्यूज़ आज़ाद पत्रकारिता करता रह सके।